एक ऐसी मूवी जो रिलीज तो 2018 में हुई, लेकिन यूनिक स्टोरी और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के चलते आज भी इस मूवी को काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तुम्बाड़ मूवी के बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग बीटीएस लेकर आए हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिल्म वाला। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि तुम्बाड़ मूवी की शूटिंग कैसे और कहां हुई, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों इस मूवी को अनिल बर्वे ने लिखा और डायरेक्ट किया है। एक बार मूवी के डायरेक्टर नगजीरा के जंगलों में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहे थे और उन्हें उनका दोस्त एक कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनकर उन्हें डर लगा और उस कहानी के पैटर्न से ही उन्होंने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी, जिसका नाम है तुम्बाड़। दोस्तों तुम्बाड़ मूवी को पहले 2012 में शूट कर लिया गया था, लेकिन एडिटिंग के बाद मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मूवी की कहानी रियल फील नहीं दे रही थी, इसलिए उसे डिलीट करके दोबारा से मूवी की कहानी पर डिटेल से काम किया गया और फिर से तुम्बाड़ मूवी की शूटिंग मई 2015 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ में शुरू की गई। मूवी की कहानी में 1847 से पहले के दौर को दिखाने के लिए 18वीं और 19वीं सेंचुरी के ओल्ड फोटोग्राफ से रेफरल लिया गया था और उन फोटोग्राफ के जैसा मूवी का थीम बनाया गया था। दोस्तों मूवी में दिखाया गया यह घर तो आपको याद ही होगा। इस घर में विनायक राव, उसका छोटा भाई और उसकी माँ रहते हैं। मूवी में दिखाए गए इस घर का लोकेशन महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से सेफ गांव का है। इस घर को दिखाने के लिए सेफ गांव में ही मूवी का सेट लगाया गया था और घर के एक्सटीरियर को मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए घर की दीवारों को काली मिट्टी से बनाया गया था। साथ ही साथ ओल्ड लुक देने के लिए उसके ऊपर घास बिछाई गई थी और इंटीरियर को दिखाने के लिए बॉम्बे में सेट तैयार किया गया था, जो आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हैं। मूवी में जब विनायक राव की दादी अस्तर के संपर्क में आ जाती है और बहुत ही भयानक टाइप हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी में विनायक राव की दादी का कैरेक्टर किसी महिला ने नहीं बल्कि 14 साल के लड़के पीयूष कौशिक ने किया था और उसी ने मूवी में विनायक राव के बेटे का रोल भी किया है। मूवी में दिखाए गए दादी के कैरेक्टर को बनाने के लिए पीयूष कौशिक की बॉडी का मेजरमेंट लेकर प्रोस्थेटिक मेकअप की हेल्प से कुछ इस प्रकार दादी का कैरेक्टर बनाया गया था। आपको बता दें इस प्रोस्थेटिक मेकअप को बनाने के लिए करीब 6 घंटे का समय लगता था और 15-20 किलो का प्रोस्थेटिक मेकअप होने के बाद पीयूष कौशिक को सांस लेने में काफी तकलीफ होती थी। आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दादी के कैरेक्टर के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप किया जा रहा है। दोस्तों जब विनायक राव बड़ा होकर अपने गांव तुम्बाड़ फिर से आता है और वहां उसकी दादी का पूरा शरीर मिट्टी में मिल चुका होता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होती है और हर पल मरने की दुआ करती है। आपको बता दें इस ट्री वाले सीन को बनाने के लिए पीयूष कौशिक को जमीन में एक गड्ढा करके इस शेप में लिटाया गया था, जिससे उसका सिर्फ और सिर्फ सिर ही दिखे और उसकी पूरी बॉडी को मिट्टी से ढक दिया गया था और इस जगह रियल पेड़ की डालियों का यूज करके इस सीन को बनाया गया था। आपको बता दें इस सीन में दादी का जो हार्ट धड़कता हुआ दिखाई देता है वो कोई VFX नहीं था। उसे क्रिएट करने के लिए डमी हार्ट में 3 बैलून गुब्बारे लगाए गए थे और हार्ट को धड़काने के लिए बाहर बैठकर 4 लोग पंप करते थे। दोस्तों मूवी में दिखाई गई बस को बनाने के लिए एक पुराने ट्रक को फिर से मॉडिफाइड करके पुराने जमाने में चलने वाली बस जैसा लुक दिया गया था। आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में उस ट्रक को देख ही सकते हो कि कैसे उस ट्रक को ओल्ड एज बस जैसा बनाया जा रहा है और बस की सीटों की जगह लकड़ी से बनी सीटें बनाई जा रही है। तुम्बाड़ मूवी में बारिश वाले सीन्स को शूट करने के लिए पानी के टैंकर लगाकर पाइप की हेल्प से बारिश की जाती थी, जो आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हैं। और कुछ सीन्स को रियल बारिश में शूट किया गया था और इसके लिए कई दिनों तक बारिश का इंतजार करना पड़ता था। मूवी में विनायक राव तुम्बाड़ जाकर देवी की कोख से सोने की मुद्रा निकालकर लाता है। आपको बता दें मूवी में दिखाई गई ये हवेली पुणे के पास स्थित सासवड़ नाम की जगह का लोकेशन है। दोस्तों इस हवेली में दिखाई गई देवी की कोख को दिखाने के लिए एक रूम के जैसा 30x30 साइज का एक बूम सेट तैयार किया गया था। इस बूम सेट को बनाने के लिए फियोफोम केमिकल का यूज किया गया था और इतने बड़े एरिया में फियोफोम केमिकल से बूम सेट बनाना मेकर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था। इस सीन में नवस वगैरह को दिखाने के लिए अलग अलग साइज के पाइप्स का यूज किया गया था और ब्रीदिंग के लिए प्लास्टिक के सोकर्स का यूज किया गया था। आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे ब्लीडिंग दिखाने के लिए पाइप की मदद से ब्लड फ्लो किया जा रहा है।
करीब 5 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 13,57,00,000 का बिजनेस किया था। तो आप समझ ही सकते हो कि इस मूवी को कितना पसंद किया गया होगा। उस समय इस मूवी को सिर्फ 575 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अगर इस मूवी को उस समय बड़े स्टार्स की मूवी की तरह ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाता तो डेफिनेटली मूवी उस समय 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर सकती थी। तो वेल दोस्तों, आपको तुम्बाड़ मूवी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मूवीज़ के बिहाइंड द सीन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।